ने हमें का दिया है उसका मूल्यांकन करने की सामर्थ हमारी बुद्धि में नहीं है दो बातें हमारे बीच जो अधिकतर सुंदर साथ है इसकी गरिमा को जानता नहीं और जो जानता है उसके पास करने की सामर्थ नहीं होती है सागर ग्रंथ में यह जो तेरहवा प्रकरण है इल्म का सागर का उसकी तीसरी चौपाई है आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई। इसका अर्थ क्या होता है इस समस्त सृष्टि में जहां जहां भी चेतना है स्वर्ग को मान लीजिए बैकुंठ को मान लीजिए पृथ्वी लोक में मान लीजिए आज तक किसी का भी संशय नहीं गया था जैसे सावन का महीना है और बंगाल में कोई अतिथि आता है तो आप एक गिलास पानी पिला देते हैं एक घंटे के बाद फिर कहेंगे कि पानी पी लो या अभी जनवरी का महीना है यही बार बार पानी देंगे तो क्या कहेगा झुझला जाएगा कि मुझे आपने परेशान कर रखा है एक गिलास पानी पी लिया फिर आप क्यों पूछ रहे हैं किंतु वही व्यक्ति यदि तपती दोपहरी में रेगिस्तान में भटक जाए और आठ घंटों तक पानी को न मिले तो क्या करेगा तरसेगा कि कोई मुझे एक घुट तो पानी पिला दे स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानी है कि एक बार रेगिस्तान में ऐसे ही भटक गए थे उनको ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे एक माता ने देखा तो दौड़कर आई और उनके मुंह में पानी डाला तो विवेकानंद के प्राणों की रक्षा हुई उस जल की कीमत केवल विवेकानंद जानते हैं जो बंगाल में पैदा हुआ चेरापूजी में पैदा हुआ वो एक गिलास पानी की माता नहीं जानता आप सुंदर साथ को भी ब्रह्मवाणी की गरिमा का पता नहीं है क्योंकि आपको जबरन दिया जा रहा है इसकी गरिमा कौन जानता है वह जानता है जो अपने संशय को मिटाना चाहता है मैं एक दृष्टांत देकर के समझाता हूं मैं कितना भी कहूं कि सुंदर सा जी ब्रह्मवाणी की ये गरिमा है ये गरिमा है आप उसको हंसी में उड़ा लेंगे या एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से बाहर कर देंगे ये स्वाभाविक है यदि आपके घर का कोई बच्चा वाणी के चिंतन में लगे तो घर का जो समझदार व्यक्ति होता है समझदार जानते हैं किसको कहते हैं जो माया की समझ रखता है उसको समझदार कहते हैं यदि कोई ज़्यादा ध्यान में डूबने लगे तो लोग क्या कहते हैं इसका थोड़ा दिमाग फिर गया है और तरह के तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं कि इसका दिमाग ठीक हो जाए और जो छल कपट करके स्मगलिंग करके भी पैसा ल, लाता है तो उसको क्या कहेंगे मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है इतना इतना पैसा लाता है वैसे ही संसार की कहानी है जिस नारायण ने इस सृष्टि को बनाया उस नारायण को पता नहीं है कि निराकार से परे क्या है जिस अभ्याकृत सबले के द्वारा ये सृष्टि का प्रकटन हुआ है अभ्याकृत के द्वारा उस अभ्याकृत में जो अक्षर की पंचवासनाएं विचरण कर रही हैं, लीला का आनंद लेती हैं, उनको यह पता नहीं है कि चतुष्पाद विभूति के परे क्या है और जो चतुष्पाद से परे अक्षर का स्वरूप है वह नहीं जानता कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसके इसकर्ध सुध अक्षर को नहीं जो खेल किनबित और जब उस परम धाम के रहस्य को आपको बताया जाता है तो चूंकि इस जान को कहने से पहले महामती जी ने क्या कहा है ए नित मेरा ए दिन देते मेरा जीव निकसे जब मैं इस वाणी को कह रही हूं तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मुझे मूल स्वरूप के आदेश से विवश होकर इसको व्यक्त करना पड़ रहा है लेकिन एक साधारण सुंदर के परिवार में मैंने कहा जब ब्रह्मवाणी का चिंतन कोई करता है तो परिवार के लोगों को चिंता हो जाती है वो बच्चे को समझाएंगे क्या अरे देखो अभी उम्र नहीं आई है तुम पढ़ो लिखो पढ़ना लिखना चाहिए मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पद पा लिया आपको दस लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है उसके बाद क्या करेंगे वो चलिए वो तो बहुत छोटी बात है आपको अमेरिका का ही नहीं भारत का नहीं दुनिया में जितने देश हैं सबका अकेले एक छत्र राष्ट्रपति बना दिया जाए आपको सारा अधिकार दे दिया जाए फिर क्या करेंगे आप, आप यही चाहते हैं ना पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत अधिक पैसा हो जाए बहुत अधिक गाड़ियाँ हो जाए बहुत अधिक जय जयकार हो जाए आपको सब कुछ दे दिया गया आपके ऊपर देश का कोई नियम लागू नहीं होता फिर क्या करेंगे आप सोने कीटों से महल बना लेंगे छप्पन भोग खाएंगे फिर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा आप जहां से आए थे फिर वहीं जाना पड़ेगा मृत्यु से आप रक्षा नहीं कर पाएंगे सोने का महल आपको मृत्यु से नहीं बचा पाएगा आप संसार का वैभव होकर भी यह नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं चलिए आप कहते हैं कि संसार के अन्य ग्रंथों में भी ज्ञान है आपने पढ़ लिया आप व्याख्या कर लेंगे किसकी व्याख्या करेंगे जीव के स्वरूप तक की व्याख्या आप जान सकते हैं आप कह देंगे पढ़कर कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ मैं अंतकरण नहीं हूं मैं पंचकोष नहीं हूँ मैं क्या हूं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ आप इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको यह बोध नहीं है कि जो स्वयं शुद्ध बुद्ध चैतन्य है वह भी अधिनारायण की चेतना का प्रतिभास है और जिस बिंब का ये प्रतिबिंब है जिस नारायण का यह प्रतिबिंब है वो नारायण स्वयं अक्षर के मन का प्रतिबिंब है और वह जो जब तक वो नारायण का स्वप्न चल रहा है तभी तक तो ये सूर्य चांद सितारे पृथ्वी दिख रहे हैं जिस संसार को आप अखंड समझ रहे हैं सुन थे जैसे जल बताशा शून्य माज समाई हम क्या हैं हमारी जिंदगी क्या है हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में हम शिष्य के रूप में खेलते हैं बड़े होते हैं किशोरावस्था की एक नई उमंग होती है युवा होते हैं शिक्षा दीक्षा लेते हैं पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं हमारा किसी के साथ विवाह हो जाता है लड़की के साथ लड़के के साथ हमारा एक परिवार बस जाता है कुछ समय के पश्चात हम पिताश्री कलाने लगते हैं माताश्री कहलाने लगते हैं फिर अधेड़ा अवस्था आती है बालों में सफेदी दिखने लगती है कुछ वर्षों के पश्चात वृद्धावस्था हमारी आ जाती है ये कहानी है लेकिन जब मनुष्य का प्रातः काल होता है एक दिन का शाम ढलती है रात आती है खाते पीते सोते बीत जाता है कोई यह नहीं सोचता कि ऐसा तू लाखों बार कर चुका है लाखों बार तू राजा बना है, लाखों बार तेरा विवाह हुआ है लाखों बार तू शिष्य बनकर के मां की गोदी में खिलाए और लाखों बार वृद्ध हुआ है लाखों बार तुझे जलाया गया है तेरी चीता पर न जाने कितनों ने घड़े आंसू पाए होंगे क्या तू अपने को जानता है कि तू तो कौन है ज्ञान की माता क्या है ज्ञान यह बताता है कि रे मानो तू अपने को इस शरीर के पिंजरे में बधा हुआ तू जो देख रहा है यह तू वह नहीं है तू उस आनंद के सागर की लहर से बिछड़ी हुई वो चेतना है जो अपने स्वरूप को नहीं जानती ये तो आकृतियां हैं हम आकृतियों को अपना स्वरूप मानते हैं जीव पशु पक्षी की योनि में जाएगा जिस योनि में जाएगा उसको ही रूप मानता है मनुष्य की योनि में जब जीव आता है तो कभी अपने को पुरुष मान लेता है कभी स्त्री मानता है कभी काला मानता है गोरा मानता है बुढा मानता है सुंदर मानता है ये सब क्या है जो दृश्यमान है ये तो पंचभूतों की आकृति है हमारे शुद्ध चैतन्य से भी परे जो अक्षर है अक्षर से परे अक्षरतीत है वह स्वयं इस ज्ञान को लेकर के प्रकट हुआ है अब चलिए हम सुंदरशा से कुछ भूले जो हो रही है मैं उसकी तरफ संकेत करना चाहूंगा क्योंकि मुझे 45 मिनट में सारी बात करने का प्रयास करना है अभी जो स्थिति है हम तारतम ले लेते हैं और जो सुंदर साथ वाणी के चिंतन में लगा है उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम वाणी का चिंतन क्यों करें जिस तन से ये तारतम आया देखिए हमारे समाज में जो दो विचारधाराएं हैं एक विचारधारा कहती है कि तारतम महामंत्र का जप कर लो भाई सुंदर शाह जी अपने मोबाइल ले बंद कर दीजिए तारतम महामंत्र का जप कर लो सारा कल्याण हो जाएगा एक बात बताता हूं देखिए ज्ञान का उद्देश्य क्या है इस प्रकरण के तीसरी चौपाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है ए बल देखो कुंजी का जिन दिखाई निस्बत उसके आगे की चपाई में कहा गया है ये बल देखो कुंजी का खूब देखी हक सूरत निस्बत को देखना मैं कौन हूं और मेरी आत्मा का जो प्रीतम है उसको देखना यह तारतम ज्ञान का परम लक्ष्य है स्वयं को देखो और स्वयं के प्राणेश्वर को देखो प्राणेश्वर गर्थ क्या है जो हमारे जीवन का आधार है जिसके बिना हम नहीं और हमारे बिना जो नहीं वो भी हमारे बिना अधूरा रहेगा उसके बिना हम अधूरे हैं दोनों आमने सामने हो यह कराना तारतम ज्ञान का लक्ष्य एक सामान्य गृहस्थी व्यक्ति जिसके ऊपर आठ घंटे दस घंटे काम का बोझ रहता है परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व रहता है उस बेचारे को इतना समय क्या है कि वह सोच सके कि जीवन का स्वरूप लक्ष्य क्या है तो देखिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं विपसना अर्थ क्या होता है विशेष रूप से देखना आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता है हम आंखों से तो सूरज को देखते हैं हमारी कितनी लाखों पीढ़ियां गुजर गई इस गंगा ने न जाने कितने साम्राज्य देखे इस हिमालय की चोटियों ने न जाने कितने युगों को देखा होगा हजारों वंशों के राजवंशों की, की सत्ताओं को देखा होगा जाने कितनी चिताओं को देखा होगा जो राज सत्ता के लिए लाखों का रक्तपात करती है। आप सोचिए लेकिन वह हिमालय भी तो एक स्वप्न है स्वप्न सु, सुन शून्य थे जैसे जल बताशा शून्य सु, माज समाई जैसे पानी का बुलबुला पानी में डूब जाता यह सारी सृष्टि भी आदि नारायण के स्वप्न का एक बुलबुला मात्र है लेकिन उसी संसार में जब एक सामान्य प्राणी पैदा होता है तो सोचता क्या है मैं कभी मरूंगा नहीं मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा यही तो जीवन है लेकिन जिसने तत्व ज्ञान को जान लिया कि नहीं ये शरीर भी नश्वर है संसार भी नश्वर है तो मैंने कहा कि बुद्ध ने सत्य को देखा एक प्रश्न यह होता है यह वाणी मत के ले जो इनको सार तो यह होता है कि यह तो सत्य की वाणी है राज्य के हृदय में इल्म का ब्राह्मी ज्ञान का खुदाई इल्म का जो अनंत सागर है उसकी एक बूत महामती जी के धाम हृदय में आती है और वह स्वयं सागर बन जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं नूर सागर यह तारतम वाणी ब्रह्म ज्ञान का सागर है सूर मार्फत मारिफत के ज्ञान का सूर्य है और उसकी एक किरण यदि हमारे अंदर प्रवेश करती है हमारे अंदर तो क्या नूर इमाम इन बात का कदी जो किरण में चारों सब सारी शिष्ट को यह पता चल जाएगा कि अक्षरातीत कौन है तो इतनी सी बात में अक्ष... संसार का कल्याण हो जाएगा संसार को यह पता नहीं आदि नारायण को जिस क्षण पता चलेगा कि इस निराकार प्रकृति मंडल से परे चतुष्पाद विभूति है उसी क्षण श्रेष्ठ का लय हो जाएगा हम जानते हैं लेकिन हम केवल माला जपने कोई स्वरोपरि मान लेते हैं मैं वही बात कह रहा हूं देखिए विपसना का अर्थ क्या होता है समाधि में बैठकर समाधि का अर्थ क्या होता है चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है ये व्याख्या किसकी है पतंजलि योग दर्शन की और वो क्या कह रहे हैं इसका नाम गीता में युगेश्वर श्री कृष्ण क्या रखा है राजयोग राजयोग का अर्थ क्या होता है बोलचाल में राज का अर्थ क्या होता है गोह इसलिए दूसरी साहित्यिक जो व्याख्या होती है राज का अर्थ होता है प्रकाशमान सत्य का प्रकाश करने वाला राजयोग सत्य को दर्शाने वाली जो प्रक्रिया है जो योग की विधा उसको क्या कहेंगे राजयोग सत्य क्या है आत्मा सत्य है परमात्मा सत्य है यह जो दर्शा दे वही राजू विपश्यना का अर्थ क्या है विशेष जान चक्षु से देख लेना कि सत्य क्या है राजकुमार सिद्धार्थ ने स्वयं को बालक रूप में देखा था वृद्धावस्था को देखा था मृत्यु को देखा इस सत्य को जानना चाहते हैं कि यह तो संसार सुख और दुख से भरा हुआ है तृष्णाओं का भरा हुआ है मैं उस परम सत्य को जान जाऊं जिसके द्वारा मैं दुखों से परे हो जाऊं राजकुमार सिद्धार्थ वन में कोई ग्रंथ के पन्ने नहीं पलट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं समाधि में बैठने का प्रयास कर रहे हैं आत्मचक्षु से स्वयं को देखने का प्रयास कर रहे हैं और जब देखते हैं कि मैं किस जन्म में राजा था किस जन्म में योगी था किस जन्म में पशु पक्षी था किस जन्म में हाथी था बंदर था और मैं तो तृष्णा के प्रवाह में एक बहा जा रहा हूं तब उनको सत्य का बोध होता है कि यदि मैं इन तृष्णाओं से परे हो गया तो सुख दुख का यह जो चक्र है संसार समाप्त हो जाएगा उन्होंने जो ज्ञान पाया ऋषियों के ग्रंथों में था वेद के ग्रंथों में था लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय तक नहीं पहुंचा समाधि द्वारा उस सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया वेद में कहा गया है कि इस चतुष्पाद विभूति से परे त्रिपादैतपुर सा धाम है लेकिन वेद के पढ़ने वाले भी नहीं जानते सब में संशय है शिष्ट के कण में उसकी सत्ता है लेकिन जिसकी सत्ता है वह स्वयं इस मायावी जगत से परे है इस चारों वेदों के विद्वान नहीं जानते हम सुंदर साथ परम धाम का ज्ञान लेकर के बैठे हैं देखिए ज्ञान दो तरह का होता है एक तो पढ़ा हुआ ज्ञान हमारी आंखें वाणी की चौपाइयों को देख रही है चौपाइयों को कहने वाले कौन है रांची साक्षात के लाया हृदय बैठ साक्षात सुंदर सात वाणी की चौपाइयों का चिंतन करते हैं कुछ रटर लगाते हैं कुछ चिंतन करते हैं कहावत कही जाती है कि अति सर्वत्रम वर्जित कुछ सुंदर सोचते हैं कि केवल हम चौपाइयों को याद कर लें पढ़ लेंगे तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा कुछ सोचते हैं पढ़ लिखकर क्या होगा केवल चितवनी करें तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा दोनों अधूरे साइकिल में दो पहिए होते हैं आगे का पहिया निकाल देंगे तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे पीछे का पहिया निकाल देंगे तो भी यात्रा नहीं हो पाएगी इल्म का प्राण है इश्क और इश्क का प्राण है इल्म देखिए यदि सतगुरु धनीश देवचंद जी को राज्य दर्शन नहीं देते है तारतम लाने वाला कौन है तारतम लय श्री राज्य देवचंद जी के सामने प्रकट होते हैं उनके धाम हृदय में विराजमान होकर आड़ी का लीला करने लगते हैं सब सुंदर सात को रास और परम धाम की चर्चा सुनाते हैं लेकिन जागनी नहीं होती जो लो हुक्म इलम को कया नहीं समझाए तो लो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए जो लो हुक्म इलम को जब तक मूल स्वरूप का आदेश ना हो जाए तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाए हुक्म इलम को हुक्म से आदेश से इल्म समझ में नहीं आता वाणी के आप हजार पाठ कर लीजिए बारह हजार पाठ कर लीजिए लेकिन इल्म के समझ आने का तात्पर्य क्या है ए बल देखो कुंजी का देखी हक सूरत राज्य के शोभाग को देखना ज्ञान क्या कहता है ज्ञान जो है सत्य को दर्शाता है जैसे हमारे सामने एक बहुत सुंदर फल रख दिया जाए आम का बहुत मीठा हमको कागज पर लिख दिया गया ये केसर काम है बहुत स्वादिष्ट है हम रख करके पढ़ लिए बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं ये केसर काम है बहुत स्वादिष्ट है बहुत मीठा होता है आंखों पर पट्टी बांध रखी है सामने आम रखा है लेकिन देखने के लिए हम राजी नहीं हैं बस बोल रहे हैं यही तो कहानी है हम पाठ कर रहे हैं राज्य का यह श्रृंगार है श्यामा जी का यह श्रृंगार है हौज कोसर ऐसा है माणिक पहाड़ ऐसा है पुखराज पहाड़ ऐसा है लेकिन पूछा जाए आप जो कुछ माणिक पहाड़ पुखराज का वर्णन कर रहे हैं रंगमल का वर्णन कर रहे हैं श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं राज्य के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं क्या आपने देखा है तो मौन हो जाते हैं जो एक वर्ग कहता है अरे पढ़कर क्या होगा इस इल्म से अहंकार होता है देखिए इल्म से अहंकार नहीं होता है अहंकार का कारण क्या होता है रज और तम अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी यदि रजोगुड़ी है तमो गुड़ी है तो, तो अहंकार उसको भी घेरेगा ऐसा नहीं है जो सात्विक ज्ञानी होता है उसके अंदर अहंकार की ग्रंथी नहीं रहती है क्योंकि वो ज्ञान के चक्षुओं को बौद्धिक ज्ञान के चक्षुओं को खोल होता है ज्ञान के चक्षु अलग हैं आत्मचक्षु अलग है जिसकी जिसको रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है वो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर सत्य सत्य का निर्णय कर लेता है लेकिन वास्तविक सत्य का दर्शन तो उसको आत्मचक्षुओं के खोलने पर ही होगा कि वो सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएगा इसलिए जैनियों ने अपनी पद्धति का क्या नाम रखा वीतराग योग वीतराग का अर्थ क्या होता है राग उपाध्यानम राग से द्वेष से प्रयोजना जो संसार के राग से असक्ति से परे हो गया संसार से परे हो गया वो सत्य को देखेगा विपसना वाले कह रहे हैं कि हम तो मन इंद्रियों से परे होकर परम सत्य को देखते हैं इसलिए हमने पद्धति का नाम रखा विपसना योग दर्शन वालों ने कहा कि नहीं इसका नाम हम राजयोग रखते हैं हम सत्य जो सत्य का प्रकाश करने वाली विधा है इसको अपनाकर हम सत्य को देखते हैं हम क्या कहते हैं हमारी निजानंद की पद्धति क्या है चितवनी चितवनी का अर्थ क्या होता है आत्मचक्षुओं से हम साक्षात देख रहे हैं किसको राज्य को जी को लेकिन देखेंगे कब जब हमें तारतम वाणी का ज्ञान रहेगा तभी तो अब जैसे हमारे भवन के आगे लिखा हो कि अरबपति जो हमारा नाम है जैसे मान लीजिए इसमें देश में जो भी धनवान है टाटा है बिरला है अडानी है अंबानी है यदि वो कहने लगे क्या करें बहुत भूख लगी है कोई हमें एक कप चाय पिला देता तो क्या सुनने वाला क्या कहेगा अब मेरे कहने का से समझते हैं मंत्र का अर्थ क्या होता है मननात मंत्र है। जिसका मनन किया जाता है वो मंत्र है मंत्र का हम जब करते हैं किस लिए ताकि राज्य की भावना बनी रहे लेकिन जब हम चितुनी में डूबते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी हमारा मन कार्य नहीं करेगा हमारी आत्मा के चक्षु खुल जाएंगे यदा पंच औतिष्ठे ज्ञानी मनसा स बुद्धि न विचते आहोत्म परमाम गतिम जहाँ बुद्धि कोई कार्य न करे पांचों इंद्रियां अपने मूल कारण मन में लय को प्राप्त हो जाए पांचों इंद्रियां अपने मूल में लय हो जाए मन निष्क्रिय हो जाए बुद्धि निष्क्रिय हो जाए और जीव चैतन्य अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को देखने लगे ये तो राजयोग के अनुसार परम गति है वाणी के अनुसार परम गति क्या है कि हमारी जो चेतना है हमारी जो आत्मा है अपने परात्म स्वरूप को देखने लगे हमारा जीव भाव समाप्त हो जाए हमारी जो इंद्रिया अंतकरण से तो कोई लेना ही ना हो और ये किसके द्वारा होगा ज्ञान प्रेम को देगा अब ज्ञान की मात्रा में बता रहा हूँ यदि सतगुरु धन श्री जी को तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता तो क्या होता तारतम ज्ञान के प्रकाश का मतलब एक चौपाई नहीं जो सुंदर साथ रट लेते हैं अनादि दी, सहित तो इस संसार के भावों के अनुसार कह दिया गया कि भाई ये मंत्र है इसको पाठ करो बच्चों को कहा जाता है पांच बार तारतम महामंत्र का पाठ करो ठीक है लेकिन आगे की कक्षा अच्छा क्या है यदि मान लीजिए कि सभी सुंदर साथ मलाएं लेकर के एक एक करोड़ सात सात करोड़ जब ही लेंगे तो क्या होगा लाभ होगा मन शांत हो जाएगा और भी चीजें मिलेंगी हमारे समाज के एक विद्वान ने कई वर्ष पहले कहा था कि आप एक करोड़ ये तो महामंत्र का जब कर लोगे तो वाक सिद्धि मिलेगी चलिए दो करोड़ का कर लेंगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा दस करोड़ का कर लेंगे हो सकता है कुछ और ज्यादा मिल जाए लेकिन जब तक आपके द्वंद्व समाप्त नहीं होंगे लाओ प्यार करो आपके अंदर राजी का प्रेम नहीं आएगा श्यामा जी का श्रृंगार आपके हृदय में चुभेगा नहीं राजी का श्रृंगार चुभेगा नहीं परम धाम के पच्चीस पक्षों की शोभा नहीं चुभेगी तब तक आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी आत्म का फर्मोसी से जागे का जो प्रकरण है वो श्रृंगार का चौथा प्रकरण है आप उसमें आपने उसमें कहीं देखा है कहीं मंत्र जपने की बात आई है कहीं ये कहा गया है कि आप इतने करोड़ महामंत्र का कर जब कर लो पहली चौपाई क्या है ऐसा अवध में यो इसके आत्म खड़ी हो हक सूरत दिल में चुभे तबरू जागे राज्य की शोभा दिल में आ जाए जागृत होने का तात्पर्य क्या है आप चक्रवर्ती राजा भी बन गए तो भी आप अज्ञानी कहलाएंगे आपने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया लेकिन तो भी आप अज्ञानी कहलाएंगे देखिए एक बात मैं कहने जा रहा हूं योगेश्वर श्री कृष्ण ने 18 अध्याय वाली गीता कह दी हो सकता है इसमें विवाद है कि 18 अध्याय युद्ध के मैदान में कैसे कहे जा सकते हैं लेकिन 18 अध्यायों का सार तो, तो तो बता दिया होगा भले ही सात सौ श्लोक नहीं बोले होंगे तो क्या उन उनके कथनों की व्याख्या में मान सकता हूं 18 अध्याय में 700 सौ श्लोकों की रचना की जा सकती है लेकिन वही योगेश्वर श्रीकृष्ण जो कहते हैं कि हे अर्जुन तुम आसक्ति से रहित हो जाए और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में से परे रहकर ब्रह्म का चिंतन करो कार्य करो लेकिन जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो वही श्रीकृष्ण चिंतित भी हैं कि कर्ण के बाणों से अर्जुन की रक्षा की कैसे की जाए कोई योगेश्वर शीघ से प्रश्न भी तो कर सकता है जैसे आजकल के कि भगवान आपने तो कहा कि आसक्ति से परे होने चाहिए आप अर्जुन का स्वयं रथ आंकते हैं और कहते हैं कि यदि अर्जुन जीवित नहीं रहेगा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा तो आपने जो कहा है उसके अनुसार तो आप भी खड़े नहीं उतरते हैं तो एक इसमें एक बात आती है देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम है धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं कृष्ण क्या है लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण का ग्यारह वर्ष का स्वरूप हो या ग्यारह दिन का स्वरूप हो चाहे एक सौ बारह वर्ष वाला स्वरूप हो उसमें प्रेम की झलक रहेगी इसलिए अर्जुन से सखा भाव का उनका आत्मीय संबंध है उस सखा भाव के प्रेम को निभाने के लिए कृष्ण अर्जुन के रथ बागडोर संभाल रहे हैं लेकिन वही अर्जुन जब दूत क्रीड़ा में अपने भाई के साथ हैं, तो श्रीकृष्ण कभी भी साथ नहीं देते द्रौपदी का साथ देते हैं अर्जुन का साथ नहीं देते युधिष्ठिर का साथ नहीं देते हैं। अधर्म के साथ कृष्ण नहीं है हम सुंदर साथ को जिसके लिए वाणी में क्या कहा गया है चर्चा सूर्यो दिन रात ने टूटा श्री प्राणनाथ जैसे रास के पहले प्रकरण में क्या कह दिया गया है कि दिन रात चर्चा सुनिए क्यों आपने त्रुटा प्राणनाथ वाणी का चिंतन करेंगे ताकि अक्षरातीत की पहचान कर सके पहचान बिना गिरो क्या करे या सितार यदि अक्षरातीत की पहचान कर लेते हैं तारतम वाणी के रस्य में डुबकी लगाकर तभी तारतम देते समय आपको प्रण कराया जाता है ये वाणी मत के ले जो इनको सार वाणी का चिंतन करके सार्थत्व तो ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है हम राज्य को साक्षात पाए तभी कहा गया ये बल देखो कुंजी का जिन देखी ये बल देखो कुंजी का जिन दिखाई निस्बत यह तारतम ज्ञान हमारी निस्बत की पहचान कराने वाली है हमारी निस्बत किससे मूल निस्बत किससे राज्य से लेकिन राज्य की निस्बत को तो हमने किनारे कर रखा है हमारी निस्बत किससे पति से पत्नी से बच्चों से माता-पिता से समाज से है। ये स्वप्न की निस्बत है पहले नहीं थी इस जन्म में हम इनको देख रहे हैं लेकिन हमने इनके निस्बत को सच्चा मान रखा है राज्य के निस्बत को कहते हैं कि चलो देख लेंगे राज्य भी हैं, कुछ कर लेंगे मेरे कहने का इससे क्या है तार्थम वाणी का प्रकाश आपके हृदय में उस परम सत्य का प्रकाश करता है जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना आपके जीवन का लक्ष्य है एक चुपाई बहुत कही जाती है सुंदर साथ के बीच में इल्म चातुरी खुबी अंकी मोह यही पट्टिया लिखिया अंकुर यही न देवे देखने दूल्हे के मुख का नूर इल्म चातुरी इल्म चातुरी कहां से पैदा होती है रजोगुण और तमोगुण से प्रकट होती है यदि आप में रजोगुण तमोगुण का नाम मात्र कांश है यदि आपके अंदर सत्गुण की भावना है तो सात्विक भावना से आप पढ़कर चिंतन करके वाणी की ज्ञान का प्रकाश आप ग्रहण करेंगे तो आपकी अंतरात्मा से प्रेरणा हुआ करेगी कि कभी भी अहंकार नहीं करेगा क्योंकि विद्या तदात विनियम विद्या विनम्रता देती है ज्ञान अहंकार को दूर करता है यदि आप प्रथम श्रेणी के विद्वानों के पास जाएंगे तो उनके पास कभी भी ज्ञान का अंकार नहीं रहेगा एक बार न्यूटन से पूछा गया कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं न्यूटन ने कहा कि मैं तो ज्ञानियों मैं तो ज्ञान के सागर के किनारे बैठा हुआ उसकी लहरों को देखता रहता हूँ उसमें डूबने की मेरी सामर्थ्य नहीं है मैंने कई बार चर्चा में यह सुनाया है ये प्रसंग जब ऋषि दयानंद से कहा गया कि स्वामी जी आप तो मर्सी हैं दयानंद कहते हैं कि आज कोई ऋषि नहीं है तो मुझे कुछ भी कह लो लेकिन ऋषियों के युग में मैं होता यदि मैं कणाद ऋषि के युग में होता तो मैं उनके आश्रम में झाड़ू लगाने वाला भी शायद नहीं बन पाता ये महानता होती है जो बात कही जाती है कि इल्म चातुरी खूबी अंग की अंग की खूबी का तात्पर्य क्या है इल्म की यदि चातुरी आ जाती है तो प्रेम चला जाता है वो चात्री कहाँ से होते रोजोगुड़ और तमोगुड़ से रोजोगुड़ तमोगुड़ के विकार कहाँ से दूर होंगे जब आप चितवनी में डूबेंगे प्राण है इल्म से इल्म है, इल्म से से है आगे का पहिया है साइकिल का तो पीछे का पहिया सुरक्षित है तभी काम करेगा पीछे का पहिया चल रहा है तभी आगे का पहिया चलेगा यदि आपने चितवनी से अपने को अलग कर लिया राज्य के प्रेम से अलग कर लिया तो क्या होगा आपको राज्य की शोभा का साक्षात्कार नहीं होगा निच स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा परिणाम आप आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे सारी बात छोड़िए मैं आपसे पूछू आप, आप परम धाम में जागृत हो जाएंगे तो आपको परम धाम तो दिख ही रहे होगा राज्य भी दिख रहे होंगे जी भी दिख रही होंगी सारा आनंद भी मिलता रहेगा लेकिन एक चीज आप वहां नहीं कर पाएंगे कि यहां की तरह चौपाइयों का चिंतन करके राज्य के गहरे भेद को जान सकेंगे सुखा के इश्क के जिनको नहीं सुमार एक बात समझिए जिस अक्षरातीत को आप देखना चाहते हैं जिस परम धाम को आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप चर्चनी की कक्षाओं में बैठते हैं चितवनी करते हैं उस परम धाम में तो आप अनादिकाल से रहते रहे लेकिन राज्य के दिल की मारिफत का पता तो न श्यामा जी को था न सखियों को था किसी को भी नहीं था सुख के इसके जिनको नहीं सुमार सुदेखन की ठोर इत सुख करो विचार आप परम धाम जाएंगे तो ये वाणी कभी मिलने वाली नहीं है आपको सब कुछ मिल जाएगा इसलिए इस, इस वाणी की गरिमा को समझने का हमें प्रयत्न करना है कि यह ब्रह्मवाणी नहीं होती तो क्या होता क्या श्री देवचंद जी धनी श्री देवचंद जी कहला सकते थे जो लो हुक्म इलम को कहिया नहीं समा समझाए तो लो सो रो आपको को कर सके जगाए जब तक आप तारतम जान के द्वारा राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं करते हैं तब तक आपको जागने की शोभा नहीं मिल सकती है क्योंकि आप चितौनी में डूबेगे नहीं चितोनी में डूबे बिना आपकी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसेगी नहीं और उसके बिना आपको जागृत कहा ही नहीं जा सकता आज यही हो रहा है सब कुछ हो रहा है कर्मकांड की सारी विधाएं हो रही है आप देखते हैं मैं नाम क्यों लूँ सारा सुंदर सात तो इसी में डूबा हुआ है लेकिन चितवनी नहीं हो रही है वाणी की चर्चा नहीं हो रही है समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं लाखों का करोड़ों का बजट बन जाता है लेकिन वाणी की चर्चा नहीं होती सुंदर सात में वाणी का प्रकाश नहीं भारा जा रहा है और यह याद रखिए मूर्ति पूजा एक हिंदू समाज का के लिए एक अभिशाप है यह ब्रह्मवाणी से दूर करने वाली है अक्षरातीत के चरणों से दूर करने वाली है जब तक आपके हृदय में यह हिंदू समाज हजार वर्षों तक दलित रहा क्यों क्योंकि इसने वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया इसने एक परमात्मा को छोड़कर नाना देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया हृदय में बैठे हुए परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं किया समर्पण किसने किसके प्रति किया जिन प्रतिमाओं को उसने स्वयं बनाया था उनके आगे दंडवत लेटने लगा पर राम सिमटते सिमटते सारे विश्व से सिमटते सिमटते भारत का हिंदू समाज एक छोटे से टुकड़े में बटकर आ गया है राज्य भी चाहते हैं जिस तन से वाणी अवतरित हुई है वो भी चाहते तो एक मूर्ति अपनी बनवा देते किसी मूर्ति की पूजा करो लेकिन नहीं उन्होंने वाणी दी राज्य से क्या मत वाणी दी कि इन चौपाइयों में धाम की आत्माएं विचरण करें जैसे आपका कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति एक पत्र लिख देता है तो उसके एक एक शब्द को आप बहुत प्रेम से पढ़ते हैं जब किशोरावस्था की उम्र होती है तो एक नई उमंग होती है कोई मित्र अपना पत्र भेजता है तो बहुत अच्छा लगता है हाँ उम्र दराज होने पर तो कुछ दूसरी अवस्थाएं हो जाती हैं यदि एक मित्र का पत्र इतना प्रिय लगता है क्योंकि उससे हमारा लगाव होता है जिस क्षण हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम होगा उस दिन राज्य के कई वे एक एक शब्द हमें बहुत प्रिय लगेंगे और जिस क्षण हमें यह पता चल जाएगा कि यह वाणी परम सत्य है संसार के सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य इसमें छिपा हुआ है तो ब्रह्मवाणी की चर्चा हमें ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से भी ज़्यादा कल्याणकारी लगेगा आज पूरे समाज में वाणी की चर्चा का प्रवाह क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि समाज के नित्य निर्देशक जानते ही नहीं कि वाणी की महिमा क्या है इसलिए मैंने संक्षेप में यह बात कही है यह जो आपको सुनहला अवसर मिला है वाणी के चिंतन का युगल सिर्फ की शोभा में डूबने का यह अवसर आपको परमधाम में भी मिलने वाला नहीं है और जिसने ये दोनों कार्य कर लिया वाणी का चिंतन भी कर लिया और युगल स्वरूप की शोभा में भी अपने कुटुबोल लिया वो क्या होगा इत भी दंदन होगा और उत भी दंदन होगा वाणी क्या कहती है ब्रह्मश्रेष्ठ होते ब्रजरास में प्रेम हो तो लक्ष्यवीन सो लक्ष लवल करो अल्लाह पर न था आखिरी इलम पूरन आखिरी इलम नहीं था आखिर इल्म क्या है यह जो तारतम वाणी के रूप में अवतरित हुआ है खिलवत का ज्ञान परिक्रमा का ज्ञान सागर सिंगार का ज्ञान स... ऐसा नहीं था कि देवचंद जी को नहीं था यह ज्ञान था पर न था आखिर इलम पूरन, मार्फत के स्वरूप की पहचान राज जी ने उनकी आत्मा को उस समय नहीं होने दी यदि हो गई होती तो उनहत्तर पातियों में सिफारिश क्यों लिखवाती कि राज जी मेरे से जागणिक कराओ मारिफत की पहचान हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारा निज निःस्प क्या है और ये जानते हैं हक के दिल के भेद तो सो इल्मे देखी मारिफत राज्य के दिल राज्य को प्रत्यक्ष देखना राज्य के दिल के भेद को जानना और सो इल्मे देखी मारिफत का तात्पर्य क्या है राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान मारिफत जो आज तक राज्य ने नहीं दी थी मेहर का दलिया दिल में लिया तबरूओं के दिल में खेल देखने का ख्याल पूछा सब माया का जब कष्ट मिलता है तो कहते हैं कि राज्य को क्या जरूरत थी इस संसार में भेजने की राज जी इसलिए भेजे हैं अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए जो परम धाम में अनंत काल से रहने पर भी न श्यामा जी को दे सके थे न सखियों को दे सके थे वह अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने माया का खेल देखने के लिए सबके अंदर प्रेरणा की और सबने खेल मांगा परम धाम में कुछ भी गुनाह नहीं होता क्योंकि जो कुछ होता है राजी के दिल की इच्छा से होता है लेकिन लीला में खेल मांगने का गुनाह भी लगा जो कुछ है जब इस खेल में आए हैं यदि आप राज्य की वाणी का चिंतन नहीं करते हैं तो सबसे बड़े अपराधी आप माने जाएंगे क्योंकि तारतम्य लेते समय आप कह देते हैं कि सतवाणी मत के ले जो इनको सार राज्य ने कह दिया कि लाओ प्यार करो दीदार उन्होंने कह दिया कि ये मूल मिलावा अपना नजर दी लेकिन यदि आप चित्वनी नहीं करते हैं राज्य को अंतर चक्षु से नहीं देखते नहीं है आत्मचक्ष से देखने का प्रयास नहीं करते हैं तो ये राज्य के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है आप कह तो देते हैं हुक्म के स्वरूप की जाए लेकिन राज्य के हुक्म कोई नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा इसलिए आज माला फेरने का समय नहीं है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर आप एक चौपाई का तारतम जपिए या छह चौपाइयों का तारतम जपिए लेकिन वो तो बचपन बचपन की अवस्था के लिए बच्चों के लिए आपकी उम्र पंद्रह से पार होती है आप एक दो बार तारतम का जप कर लीजिए बहुत है। लेकिन जो तारतम का जो तारतम अंग अवस्थी विस्तार पाइए दिखाई पार के तीन पार के भी पार तारतम का जो तारतम है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उसको आत्मसात कीजिए यह वाणी का रहस्य है मैं आपको यही बता रहा था तारतम के तारतम के रूप में ये जो वाणी है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का जो ज्ञान है इसकी क्या हो सकता है आप सोचिए इसके बिना आपका जीवन सुना है आदि नारायण को महत्ता मालूम है कि निराकार से परे का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है पंच, अक्षर की पंच वासनाएं जानती है हम नहीं जानते महामती जी की आत्मा जानती है कि एक एक चौपाइयों की गरिमा क्या है जिसने कहा है जिसने अपने हृदय का भेद यहां बहने बैठी हैं, भाइयों की सभा में या चौराहे पर आपका पति क्या आपके श्रृंगार का वर्णन करेगा लेकिन अक्षरातीत ने श्यामा जी के, के एक एक श्रृंगार का वर्णन किया है किसके लिए केवल परमात्माओं के लिए कि किसी भी बहाने से किसी भी तरीके से परमधाम की आत्मा जागृत हो जाए इसलिए नारायण से पूछिए वह जानते हैं अक्षर की आत्मा से पूछिए वह जानते हैं कि परमधाम के इस तारतम वाणी की माता क्या है उस जबरिल से पूछिए फिरवलिया असरा फिलवलियाजी के मां जबराइल जबरूत की हथ छोड़ सक्य ना जबराइल अनंत काल से सचुरूप में रहता है जिब्रिल को यह पता नहीं धाम कैसा है जिब्रिल को आदेश होता है जा नहीं सकता अक्षर की आत्मा के साथ तो पूरा रस ले नहीं सका था लेकिन जब महामती के द्वारा महामती के तन में लीला होती है मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तार्थमी सब सुध परी लीला अंदर की घर उस समय जब मोहम्मद को मिराज होता है मोहम्मद साहब को उस समय अक्षर की आत्मा केवल यमुना जी तक जा, जाती है उसके आगे अस्त्राफिल के लिए भी दरवाजा बंद है अब महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान होते हैं अक्षर की वही आत्मा उस तन में है अस्त्राफिल जो जागृत बुद्धि है मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ये फल पाया जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुँचे थे मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया थे जो नारायण को पता नहीं आदि नारायण को पता नहीं इस ब्रह्मांड में किसी को पता नहीं हमारा बच्चा तो यूनिवर्सिटी के दो चार डिग्रियाँ ले लेगा दस पंद्रह करोड़ रुपया कमा लेगा तो हम सीना तान कर चलते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है मेरा बेटा ऐसा है आप पृथ्वी का एक राज्य भी नहीं पा पाएंगे लेकिन यदि दे दिया जाए तो बेचारे कोट राज के ना अवेद ईद के अब सोचिए ब्रह्मवाणी की महत्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो जानता है जिसके आदेश जिस अक्षर के के मन के से बनी है वह जानता है असराफील जानता है जिब्रील जानता है श्यामा जी की आत्मा जानती है महामती जानते हैं हम सुंदर साथ नहीं जानते जिस दिन सुंदर साथ जग जाएगा मैंने तो कहा था सौ आदर्श माताएं अपने सौ लड़ले को राज्य के लिए सौंपते तो यदि सौ विद्वान होते हैं तो वाणी की देश में हो जाएगी। लेकिन माताओं को तो क्या चाहिए चाहिए। चाहिए। पोते की किलकारी इसलिए ज्ञानपीठ इस में जो भी बच्चा आता है जब बड़ा होता है भगा करके भगा ले जाते हैं आपका घर तो बन जाएगा लेकिन आपके जीव का क्या होगा किसी ने नहीं सोचा इसलिए मैं कहता हूं चालीस लाख सुंदर साथ में यदि चार हजार सुंदर साथ भी वाणी की महिमा जान गए होते तो मुझे बहुत खुशी होती इस वाणी की महिमा को केवल राज जी जानते हैं श्यामा जी जानती हैं या कोई जागृत ब्रह्मात्मा जानती है एक सामान्य सुंदर साथ कितना भी पढ़ लेगा तो यही मांगेगा कि मैंने वाणी का पाठ कर लिया है हमारे बेटे की नौकरी लग जानी चाहिए हमारी दुकानदार दुकानदारी चल जानी चाहिए बस ये गरिमा है इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि सुंदर साथ वाणी की महिमा जाने ये वाणी क्या है ये वाणी सुनते जिनको आवेश नायंग सोने नीचे वासना ताको करू जीव पहले से मेरा समय पूरा होता है मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता मैं आशा करता हूँ कि देश में जो भी कार्यक्रम हो सुंदर साथ के समूह में वाणी की चर्चा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए वाणी के ज्ञान की प्राथमिकता मिलनी चाहिए उस भागवत को नहीं मिलनी चाहिए जिस भागवत में क्या क्या लिखा है भागवत के रचनाकार को मैं क्या कहूँ ये मंच का विषय नहीं है लेकिन हाँ राज्य सबके अंदर विवेक पैदा करें कि वो किससे कहानियों से परे हट कर अक्षरातीत के आवेश से अवतरित होती होने वाली उस ब्रह्मवाणी की गरिमा को समझें जिस दिन सुंदर सात वाणी की महिमा को समझ जाएगा उस दिन अक्षरातीत की भी महिमा को समझ